आपको बता दें कि थाना रोजा में हुई दर्दनाक घटना। लाल मोहम्मद ईद की तैयारियों में जुटा हुआ था और शाहजहांपुर मार्केट करने आ रहा था, सिमई फेनी लेने के लिए आ रहा था, लेकिन शायद लाल मोहम्मद को यह नहीं पता था कि अब वो वापस घर पे नहीं जाएगा और ईद भी नहीं मना पाएगा। इसलिए डीसीएम की टक्कर में गंभीर रूप से घायल हुआ लाल मोहम्मद, जिसको तत्काल आनन फानन 100 डायल की पुलिस जिला सरकारी अस्पताल में लेकर आई, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। लेकिन अफसोस के आधी रास्ता पहुंचते ही लाल मोहम्मद दुनिया से रुखसत हो गया। और आपको बता दें कि ईद की तैयारियों के लिए शाहजहांपुर आ रहा था। विस्तार से जानकारी हम आपको सुनवाते हैं। घर से आ रहे थे ईद का सामान लेने शहर के लिए, और रास्ते में डीसीएम से टक्कर हो गई। उसमें इनका ये नीचे चले गए, डीसीएम के नीचे उसी में हो गई। तो ये बताइए, उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एम्बुलेंस वो लेके आई, 100 नंबर गाड़ी, वहाँ दिखाया। दिखाने के बाद इनके सीने में दिल पे चोट ज़्यादा थी, इसलिए रेफर कर दिया गया लखनऊ के लिए। रास्ते में उस पार तो आप वहाँ ले जा नहीं पाए? नहीं नहीं, रास्ते में हो गए। कितने बच्चे हैं इनके? इनके बच्चे हैं पाँच। पांच बच्चे जी। शादी किसकी किसकी हो गई? एक की शादी हो गई है, लड़की की शादी हो गई सर, के हिना की लोधीपुर में। तीन लड़कियाँ, दो लड़के। अब कुंवारी कई लड़कियाँ हैं? दो लड़कियाँ कुंवारी रह गए, दो लड़के कुंवारे रह गए। अच्छा, कोई रोटी का जरिया माशा? रोटी का जरिया कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं और बस थोड़ी बहुत खेती है वो कर लेते हैं, और कुछ नहीं। गाड़ी पकड़ गई? गाड़ी थाने में है, और वो गाड़ी जो है रिलायंस पंप पे खड़ी है, UP 24 करके नंबर है, हमने फोटो भी खींचा। हालांकि इस मामले में आपको बता दें, ट्रामा सेंटर के EMO से जब पूछा तो उनका क्या कहना था, हम आपको सुनवाते हैं। दरअसल एक लाल मोहम्मद आया था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, अब वो एक्सपायर हो गया, तो क्या कंडीशन है? लाल मोहम्मद दोपहर में करीब आए थे 2 बजे, उसके बाद इनको इलाज किया गया था, उसके बाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है। रास्ते में जाते समय इनकी मौत हो गई, वहाँ से लौट के आए हैं और गाड़ी को मोर्चरी में रखवाया।